अभी सुबह गए थे जंगल से सागुन काटा, एक सागुन लाया वहाँ पर। अभी अभी हमारा ये मिस्त्री जो जो लोग स्वर्गवासी हो गए हैं हमारे बुजुर्ग लोग, तो उनका मूर्ति स्थापना कर रहे हैं यहाँ पे। फिर इनको अभी रात भर पूजा पाठ करने के बाद फिर इसको कल जाएंगे हम। एक हमारा हर कुटुंब का एक देवस्थान निश्चित रहता है, देव वहाँ जाकर के फिर इनको स्थापना कर दिया जाएगा। ये हमारे मुंडा इस हिसाब से उसका हमारे देव पितृ लोग वहाँ पे हमेशा के लिए सदा वहीं रहेंगे, मतलब वो भटकेंगे नहीं। जैसे आप लोग पितृपिंड करते हैं ना, पितृदान करते हैं, पिंडदान करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ मुंडा करते हैं। विकासखंड घोरा डोंगरी अंतर्गत ग्राम घोघरी में कुरकु समाज के लोग 300 परिवार रहते हैं। जो परिवार अपने सदस्य से कोई आदमी का मृत्यु होने के बाद में रीति रिवाज अनुसार पूजा पाठ एवं मुंडा काटने का रीति चलता है, जिसमें से कि 3 रात तक का लगातार बकरा काटते हैं, दारू पूजते हैं, इस प्रकार से अपना रीति रिवाज निभा रहे हैं। इसमें आप तो थोड़ा सा वो बता दीजिए चाचा जी, जैसा कि आप दारू वारू पूजा पाठ करते हैं, बकरा मारते हैं, एक बकरा मारना भी आत्महत्या है। हम जंगली आदिवासी लोग हैं, बगैर उसके खाए रहते नहीं है। अब हमारे पितृ लोग भी खाए ना, तो उनको आत्महत्या उनको भी देना पड़ता है, क्या करें। तब आप जब से बकरा पूजा करते हो तो वो आत्मा उनको संतुष्ट रखता है, ऐसा आपको अनुभव है? हाँ, रखता है बराबर रखता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया चल रहा है आपका कोरकू समाज में, तो इसको अगर बंद किया जाए तो आप क्या समझे? नहीं नहीं, बंद होगा ही नहीं, बंद होगा ही नहीं ना, बंद हो ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। तो फिर हम कोरकू रहेंगे ही नहीं, हमारा परंपरा ही नहीं, हमारा जाति धर्म का कौन सा। इसमें आप जैसे वो लकड़ी का पटिया मूर्तियाँ बना रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है, क्या क्या पूजा करते हैं उसमें? 3 बकरा लगते हैं, एक पितर पूजा करते हैं सोमवार के दिन, मंगल मुंडा कटते हैं उसमें, फिर बकरा मारते हैं, फिर जब गाड़ते हैं तब बकरा पूजा करते हैं, तो 6-18-20 हज़ार का तो बकरा हो जाता है हमारे। बाकी खाना पीना 5 हज़ार से कम खर्चा नहीं आता है। मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, तो ये कौन है? ये सब इनके रिश्तेदार हैं, सब रिश्तेदार, कुटुंब वाले भी हैं और भी आएंगे। क्या रिश्तेदार के लोग भी हेल्प यानी कि मदद करते हैं क्या इस काम पे? नहीं नहीं, वो तो निजी, मतलब वो तो आपका काम है, आपको स्वयं को ही करना पड़ता है घर का काम। आपके यहाँ पे 10वां हुआ, कोई दूसरा आपको हेल्प करेगा? आप बताइए, नहीं करता ना, तो वैसे ही इनके यहाँ पे काम हो रहा है। हाँ, सहयोग जो जन सहयोग है वो आपको मिलेगा, आर्थिक सहयोग। और मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया हनर्ड के लिए।